नमस्कार बच्चों बच्चों, ये बताओ स्कूल में आप लोग पढ़ाई के साथ साथ और कौन कौन सा कार्य करते हो? खेलना, कूदना, गाना, नाचना, कहानी सुनना, नाटक देखना, ये सब भी करते हो? स्कूल में तुम सब इन कार्यों को भी करते हो? अच्छा, बाल सभा का नाम तुम लोगों ने सुना है ना? तो बताओ बाल सभा में क्या क्या होता है? सप्ताह में एक दिन बाल सभा का आयोजन होता है जिसमें तुम सब गीत गाते हो, सुनते हो और सुनाते हो, साथ ही कहानी और कविता भी सुनते सुनाते हो और चुटकुला सुनकर हंसते और हंसाते हो। तो बच्चों, इन सब से बाल सभा में बड़ा ही आनंद आता है। तो आओ बच्चों, आज हम ऐसा ही पाठ 24 पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है बाल सभा। आज शनिवार है। हमारे विद्यालय में शनिवार को खूब मज़ा आता है। इस दिन बच्चों की छुट्टी के बाद बाल सभा होती है। बाल सभा में बच्चे गीत, कहानियाँ, पहेलियाँ, चुटकुले, गप, पशु पक्षियों की बोलियाँ सुनाते हैं। 2 घंटे तक बाल सभा में खूब हाहाहीही होती रहती है। आज भी बच्चों में काफ़ी उत्साह है। वे घर से ही सुनाने का मसाला तैयार करके आए हैं। कोई अपने साथी को वह चुटकुला सुना रहा है जो वह बाल सभा में सुनाएगा, कोई अपनी सहेली को गीत गुनगुनाकर सुना रही है। तभी घंटी बजी और सारे बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं से निकलकर हॉल में आ बैठे। थोड़ी देर में बड़ी बहन जी आई और उन्होंने उषा से कहा, उषा, जो बच्चे कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं उनके नाम लिख लो। अब तो उषा के पास बच्चों की भीड़ लग गई। उषा ने सबके नाम लिखे। नाम के आगे यह भी लिखा कि वे क्या सुनाएंगे या क्या सुनाएंगी। थोड़ी देर में बाल सभा शुरू हुई। बड़ी बहन जी तथा अन्य शिक्षकगण ऊपर मंच पर बैठे थे। उषा एक एक बच्चे का नाम लेकर पुकार रही थी। उसने कहा, सबसे पहले रवि अपनी छोटी सी कविता सुनाएगा। रवि ने अपनी कविता सुनाई। घंटा बोला चलो मदर से, निकलो 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 घर से। घंटा बोला चलो मदर से, जल्दी निकलो अपने घर से। कपड़े पहनो बस्ता ले लो, जल्दी निकलो अपने घर से। जो तुम देर करोगे भैया, तो फिर होगी धक्कम धैया। कविता सुनकर सबने तालियां बजाई। अब उषा ने संगीता को पहेलियां सुनाने के लिए बुलाया। संगीता ने 3 पहेलियां बूझी। पहले उसने यह पहेली सुनाई। प्रथम कटे तो करती तंग, तरह तरह के मेरे रंग। 3 अक्षर का मेरा नाम, आसमान में लड़ती जंग। तो क्या होगा बच्चों, बताइए? हाँ, रमेश ने जोर से चिल्लाकर इसका उत्तर बताया, पतंग। तंग, तंग में प जोड़े तो क्या हुआ, पतंग। आसमान में रंग बिरंगी पतंग देखते हो ना तुम लोग? हाँ, संगीता ने कहा, सही। फिर उसने दूसरी पहेली सुनाई। मेरी नानी कोयला खाती, मैं खाती हूँ बिजली। मम्मी मेरी डीजल पीती, यही कहानी पिछली। अब की बारी बच्चों से कोई जवाब नहीं आया। क्यों नहीं आया, आप बता सकते हो? क्या होगा इसका उत्तर? देखो, मैं छोटी सी बात बताती हूँ, आपको इशारा करती हूँ, आप समझ जाएंगे। पहले वो कोयला से चलती थी, अब बिजली से चलती है, डीजल से भी चलती है, और एक बात और, जब वो चलती है ना तो छुक छुक की आवाज आती है। हाँ बताइए। हाँ, संगीता ने इस पहेली का उत्तर बताया, रेल का इंजन। तीसरी पहेली थी, गाना गाकर मारे तीर। संगीता ने पहेली का उत्तर पूछा। किसी ने कहा रेडियो, किसी ने कहा हवा। अंत में सही उत्तर सोनाली ने दिया, मच्छर। सभी ने तालियां बजाई। अब उषा ने मन्नू को चुटकुला सुनाने के लिए बुलाया। मन्नू ने एक मजेदार चुटकुला सुनाया। टीपू, पिताजी आपने एक सप्ताह पहले जो गुलाब की कलम लगाई थी उसमें अभी तक जड़ें नहीं निकली हैं। पिताजी, तुम्हें कैसे पता? दीपू, क्योंकि मैं उसे रोज उखाड़ कर देखता हूँ।
तो बच्चों, आप अगर पेड़ को रोज उखाड़ कर देखेंगे, पेड़ की जड़ें नीचे जमीन में कैसे जमेंगी, कैसे वो बढ़ेंगी, है ना। अब किशुन की बारी थी। किशुन ने चुटकुला सुनाया। तीन गप्पी गप्प सुना रहे थे। पहले ने कहा, मेरे दादाजी ने पानी में डुबकी लगाई तो 15 मिनट के बाद ऊपर आए। दूसरे ने कहा, ये तो कुछ भी नहीं, मेरे दादाजी ने नदी के पानी में डुबकी लगाई तो 1 घंटे बाद ऊपर आए। तीसरे ने कहा, अरे मेरे दादाजी ने पिछले बरस नदी में डुबकी लगाई तो आज तक ऊपर नहीं आए। चुटकुला सुनकर सभी बच्चे हो करके हंस पड़े। उन्होंने तालियां बजाई। अब उषा ने शिवानी को गप पर आधारित समाचार सुनने के लिए बुलाया। शिवानी ने समाचार सुनाया। कल रात राजधानी में ओलों की जबरदस्त बारिश हुई। सरकार ने सभी गंजों को घर में रहने की हिदायत दी। सरगुजा क्षेत्र में हाथियों के बढ़ते आतंक को देखते हुए सरकार ने 4 मच्छरों को वहां भेजा है। जैसे ही गड़बड़ी फैलाने वाले हाथी नजर आएंगे, ये मच्छर उन्हें उठाकर मैत्री बाग के चिड़ियाघर में ले आएंगे। छत्तीसगढ़ में 3 ठग गिरफ्तार किए गए हैं। पता चला है कि इन ठगों ने किसी व्यक्ति को सस्ते दामों में आगरे का ताजमहल बेच दिया था। गप्प समाचार सुनकर सब बच्चे फिर खिलखिलाकर हंस पड़े। बाल सभा का समय समाप्त हो गया था। बड़ी बहन जी ने कहा, सब बच्चों ने अच्छे अच्छे चुटकुले पहेलियां गप्प सुनाई, सबको बहुत बहुत बधाई। अगले शनिवार को फिर बाल सभा होगी, बच्चे अच्छी तैयारी करके आए। तो बच्चों, कैसी लगी ये बाल सभा? बहुत मजा आया ना, चुटकुला सुनकर, कविता सुनकर। हाँ, तो आप लोग भी ऐसा ही कुछ तैयार करेंगे। चलिए बच्चों, मैंने जो लिखा है वो कविता भी मैं आपको सुनाती हूँ। आप लोग भी ऐसे ही लिखेंगे और ऐसे ही गाने का प्रयास करेंगे। अपनी दादा दादी से, नाना नानी से ये सब सीख सकते हैं और बाल सभा में सुना सकते हैं। तो चलिए मैं सुनाती हूँ एक छोटी सी कविता। मोरे संगी साथी ये आनी बानी के जंगल झाड़ी रे, कोयल बोले कुहू कुहू रे, मंजूर बोले पीहू पीहू रे, कोयल बोले कुहू कुहू रे, मंजूर बोले पीहू पीहू रे, मोरे संगी साथी ये आनी बानी के जंगल झाड़ी रे। तो बच्चों, कैसी लगी कविता? चलिए आप लोग भी ऐसा ही प्रयास करें, ठीक है बच्चों? तो चलिए अब चलते हैं अभ्यास कार्य की ओर। तो देखते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न है, गाना गाकर मारे तीर, इस पहेली का उत्तर क्या है? आप लोगों ने अभी पाठ पढ़ा ना, क्या होगा? चलिए उत्तर बताती हूँ मैं। इसका उत्तर है, गाना गाकर मारे तीर, पहेली का उत्तर है मच्छर। प्रश्न दूसरा है, उषा के स्कूल में बाल सभा किस दिन मनाया जाता था? का उत्तर आप लोग जानते हैं, चलिए मैं बताती हूँ। उत्तर है, उषा के स्कूल में बाल सभा शनिवार के दिन मनाया जाता था। अगला प्रश्न है, उषा बच्चों के नाम क्यों लिख रही थी? क्यों लिख रही थी, आपको पता है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। इसका उत्तर है, बाल सभा में भाग लेने के लिए उषा बच्चों के नाम लिख रही थी। अगला प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प पर सही का निशान लगाओ। बच्चों को बाल सभा में भाग लेकर बहुत मजा आया, वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? देखते हैं। अ है प्रश्नवाचक चिन्ह, ब है पूर्ण विराम, स है अर्ध विराम, द है अल्प विराम। इसमें क्या आएगा बच्चों? इसका उत्तर है, ब पूर्ण विराम। अगला है, मन्नू ने बाल सभा में क्या सुनाया? वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? अ प्रश्नवाचक चिन्ह, ब पूर्ण विराम, स अर्ध विराम, द अल्प विराम। तो क्या आएगा बच्चों? हाँ, इसका उत्तर होगा अ प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है, इसमें से पुनरावृत्ति वाला शब्द कौन सा है? पुनरावृत्ति का मतलब आपको पता है ना, जो शब्द बार बार आता है, ठीक है बच्चों? तो देखते हैं, अ धक्कम धैया, ब बाल सभा, स पशु पक्षी, द
द अपनी अपनी, तो इसमें कौन सा आएगा? हाँ इसमें आएगा द अपनी अपनी। अगला प्रश्न है अधूरी कविता पूरा करो। पहला है घंटा बोला, आगे क्या आएगा? हाँ चलो मदरसे। दूसरा है जल्दी निकलो, इसके आगे क्या आएगा? अपने घर से। अगला है कपड़े पहनो, इसमें क्या आएगा? बस्ता ले लो। अगला है तो फिर होगी, आगे क्या होगा? हाँ धक्कम धैया। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखो एवं खाली स्थान में उचित शब्द भरो। देखो बच्चों चित्र दिख रहा है आप लोग को, देखो बच्चे कौन कौन है, बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, वो क्या क्या कर रहे हैं, वहाँ पे झूला भी है, पेड़ भी है ना बच्चों। तो इसमें मैं जो प्रश्न पूछूंगी उसका आपको उत्तर बताना है, ठीक है बच्चों? तो पहला प्रश्न है चित्र में खाली स्थान बच्चे हैं, इसका उत्तर क्या है? चलिए गिनिए, 1 2 3 4 5, चित्र में 5 बच्चे हैं। अगला है वे खाली स्थान में खेल रहे हैं, वे कहाँ खेल रहे हैं? दिख रहा है ना ये क्या है? हाँ वे बगीचे में खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है एक लड़की खाली स्थान के पीछे छुप रही है, देखिए किसके पीछे छुप रही है बताइए तो? हाँ इसका उत्तर है एक लड़की पेड़ के पीछे छुप रही है। अगला प्रश्न है दो लड़के बॉल के साथ खाली स्थान रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे? हाँ दो लड़के बॉल के साथ खेल रहे हैं। अगला प्रश्न है बच्चे खाली स्थान महसूस कर रहे हैं, इसका उत्तर है बच्चे खुशी महसूस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो हुआ अभ्यास कार्य, अब करते हैं गृह कार्य, और ये सारे प्रश्नों को आप नोट करके रखिए और घर से बना कर लाइए, ठीक है? तो इसमें पहला प्रश्न है आपकी शाला में बाल सभा में क्या क्या होता है, अपने शब्दों में लिखो। अगला प्रश्न है आपकी शाला में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, उनके नाम लिखो। ये तो बहुत आसान है ना बच्चों? बहुत सारे खेल खेलते हैं ना आप लोग अपनी शाला में, तो नाम लिख के लाइएगा, ठीक है? अगला है व्यायाम करने से क्या लाभ होता है, लिखो। अगला प्रश्न है अपने परिवेश से संबंधित एक समूह गीत और समूह नृत्य तैयार करें, ठीक है बच्चों? तो ये गृह कार्य है और आपको इसको घर में तैयार करके लाना है। तो आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में फिर भेंट होगी। नमस्कार।